Hello children, welcome to class 3 computers. Children, in our previous video we were doing chapter 3, that is computer software. So children, in the previous chapter we had completed the chapter and we were doing self evaluation. So children, before going to the book exercise of this chapter, let us revise what we did in our previous video. So children, self evaluation. In self evaluation we have studied that first point, we know that the set of instructions that we give to the computer to tell how to perform any task or how to perform a particular task is called computer software. So children, software means all those instructions which we give to the computer to perform a particular task. As we know children, जो भी instructions हम computer को देते हैं किसी काम को करने के लिए वो उसे हम software कहते हैं. आप सभी जानते हो, we have studied about many such software. For example children, in your previous class you have studied about notepad, you have studied about paint, you have also studied about कैलकुलेटर. तो आप सभी को पता है कि कोई भी ऐसा काम जिससे या प्रोग्राम जिसके थ्रू हम कुछ भी कंप्यूटर में कोई भी काम कर सकते हैं, तो कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कोई काम कर सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. एंड दी सॉफ्टवेयर्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम एक साथ मिला करके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि हम कंप्यूटर से करते हैं. जैसे कि चिल्ड्रन, हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस एक साथ मिलाया और बनाया कैलकुलेटर. इन दैट प्रोग्राम वी कैन डू द कैलकुलेशन, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स अदर देन कैलकुलेशन. अगर आप चाहो कैलकुलेटर से आप ड्राइंग और कलरिंग कर लो तो इट इज नॉट पॉसिबल. सो चिल्ड्रन, अ सॉफ्टवेयर मीन्स एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर काम ही करेगा. तो अगर हम एमएस पेंट की बात करते हैं तो इट विल डू ड्राइंग एंड कलरिंग. इफ यू टॉक अबाउट एमएस वर्ड, इट विल डू टाइपिंग. उसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें ड्रॉइंग और कलरिंग नहीं कर सकते हैं. इफ यू टॉक अबाउट लोगो चिल्ड्रन, लोगो इज अ प्रोग्राम वेयर वी गिव कमांड्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ड्रॉ शेप्स, वी कैन ड्रॉ फिगर्स, वी कैन डू सिंपल कैलकुलेशन, बट वी कैन नॉट ड्रॉ एंड पेंट. तो जो प्रोग्राम जिस चीज के लिए बना है उससे हम वही काम कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मिला करके, कमांड्स को मिला करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. एंड ये जो सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर एक ही तरह का काम करेगा. एज वी नो चिल्ड्रन, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक ही तरह का काम करेगा, वो दूसरे किसी तरह का काम नहीं करेगा. जैसे कि एमएस पेंट में हम सिर्फ ड्राइंग और कलरिंग कर सकते हैं, लोगो में हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एमएस वर्ड से हम टाइपिंग कर सकते हैं. तो जो काम जिस चीज के लिए बना है, यानी जो सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए बना है, सिर्फ वही काम कर सकते हैं. सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क और टास्क या स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन. आई नो दैट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट चिल्ड्रन. देन वी हैव आई नो दैट दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड फ्रॉम द चैप्टर. सो सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, आई नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. So children, in the chapter we have studied that there are two types of software. If you talk about software children, this is software. Now software is divided into two, application software है ये. application software की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरह के software है. That is MS Paint हो गया, एमएस पेंट है, लोगो है, एक्सेल है, देन एक्सेल के अलावा हमारे पास एमएस वर्ल्ड है, कैलकुलेटर भी है. तो ये सारी प्रोग्राम्स किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को करने के लिए बने हैं. इससे हम सिर्फ एक ही काम, जैसे कि अगर हम पेंट की बात करें तो हम इसे ड्राइंग एंड कलरिंग कर सकते हैं, अगर हम लोगो की बात करें तो हम इससे शेप्स बना सकते हैं, फिगर्स बना सकते हैं, या फिर हम
सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं. इफ यू टॉक अबाउट एक्सेल चिल्ड्रन, हम इसमें टेबुलर फॉर्म में किसी बहुत सारे डेटा को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और उसका में कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, वी मेक रिजल्ट यूजिंग द एक्सेल. एमएस एक्सेल को यूज करके हम रिजल्ट बनाते हैं. देन एमएस वर्ड का मतलब वी कैन टाइप एंड मेक डॉक्यूमेंट. हम उसमें टाइपिंग कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं. एंड कैलकुलेटर में वी कैन डू कैलकुलेशन. तो जो चीज जिस चीज के लिए बना है हम उससे वही काम कर सकते हैं. देन चिल्ड्रन, अनदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में चिल्ड्रन हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करना, जो भी कंप्यूटर में काम होता है उसकी वर्किंग को कंट्रोल और मैनेज करना. तो यहाँ पर हम किसी भी कंप्यूटर के काम में वो उसके जितने पार्ट्स हैं, मतलब हार्डवेयर पार्ट्स हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, हाउ आर दे परफॉर्मिंग और वेदर दे आर परफॉर्मिंग प्रॉपरली और नॉट, ये सारी चीजें हम दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल्स. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जितने भी पार्ट्स कंप्यूटर के, चाहे हार्डवेयर पार्ट हो या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन सबको कंट्रोल करना या मैनेज करना होता है. यहाँ तक कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी यही मैनेज करता है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जस्ट लाइक अ ड्राइवर इन द कार. कार का या किसी भी व्हीकल का जो ड्राइवर होता है, जो उसे ड्राइव करता है, उसी की तरह हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है. यहाँ पे अगर हम देखें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर पे ना रहे तो वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं, वो कोई काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी काम कंप्यूटर पे होता है वो सारा इज हैंडल्ड और मैनेज्ड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि अगर हम सबसे पहले कंप्यूटर खरीद के लाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल नहीं कराते तो दैट कंप्यूटर इज यूजलेस, क्योंकि वो चलेगा ही नहीं. एज आई टोल्ड यू, इट इज जस्ट लाइक अ ड्राइवर. अगर कार का ड्राइवर नहीं है तो हमारी कार कैसे चलेगी? एकदम अच्छी खासी कार है, नई कार है, उसमें पहिया है, इंजन है, पेट्रोल है, लेकिन अगर ड्राइवर नहीं है तो वो किसी काम के नहीं. सिमिलरली चिल्ड्रन, अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर भी किसी काम का नहीं. तो इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर को, पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और देखता है कि वेदर दे आर वर्किंग और नॉट. तो यहाँ पे सबसे पहले वो पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जितने भी हार्डवेयर पार्ट कंप्यूटर के हैं उसको कंट्रोल करता है और पता करता है वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. उसके बाद फिर चिल्ड्रन वो कंप्यूटर को ऑन ऑफ, ऑन करना भी उसी का काम होता है, जैसे कि बूटिंग करना होता है. तो जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर को रन करता है, कंट्रोल करता है, और रन करने में उनको हम बूटिंग कहते हैं. आप जब भी कंप्यूटर खोलते हो तो आपको स्क्रीन में दिखाया आता होगा बूटिंग सिस्टम. तो वहाँ पे बूटिंग में भी दो तरह की बूटिंग होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग. तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना मतलब बूटिंग होता है, मतलब वो कंप्यूटर को स्टार्ट करना भी उसी का काम होता है. तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता है कि वो सारे पार्ट्स, हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. उसके बाद थर्डली चिल्ड्रन, कंप्यूटर को ऑन करना भी उसी का काम है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा. और ऑन भी दो तरह के होते हैं, एक वार्म बूटिंग होता है, एक कोल्ड बूटिंग होता है. वार्म बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन, किसी वजह से हैंग कर गया, आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हो, उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं. और अगर कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कि फ्रेश स्टार्ट करना, काफ़ी टाइम से कंप्यूटर बंद है, आप उसको वापस, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब पावर सप्लाई कर रहे हो, यूपीएस ऑन कर रहे हो, सीपीयू ऑन कर रहे हो, मॉनिटर ऑन कर रहे हो, फिर उस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं. तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव स्टडीड अंडर दिस चैप्टर दैट इज सॉफ्टवेयर. उसके बाद चिल्ड्रन वी हैव आई नो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज. एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, जितनी भी एक्टिविटीज, जितना भी काम कंप्यूटर करता है, ऑल दीज एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम
के द्वारा कंट्रोल होता है. तो वॉट एवर एक्टिविटी इज डन बाय द कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इट कंट्रोल्स ऑल द डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराता है. उसके बाद ये कंप्यूटर को स्टार्ट भी कराता है. तो मतलब जो भी काम कंप्यूटर में होता है सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. सो चिल्ड्रन दिस इज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आई नो दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स includes programs that perform particular work. As I told you, application software में वो सारे program आते हैं जो कि एक particular काम करते हैं. Particular काम करना और specific काम करने का मतलब होता है children कि किसी एक particular काम को ही करेंगे, वो कोई और काम से इनको मतलब नहीं है. For example, MS Paint की अगर हम बात करें तो MS Paint से सिर्फ हम drawing और coloring कर सकते हैं. If you talk about logo, logo से हम command देकर के सिर्फ we can draw shapes, figures और we can also वी कैन डू सिंपल कैलकुलेशन. उस पर भी हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं. फिर उसके बाद एक्सेल. एक्सेल का मतलब है यहाँ पे हम एक्सेल शीट या टेबुलर फॉर्म में डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो टेबुलर फॉर्म में बहुत सारे डेटा को एक साथ हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं. देन चिल्ड्रन एमएस वर्ड का मतलब है यहाँ टाइपिंग कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड ईच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेड फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर और अ स्पेसिफिक टास्क. देन चिल्ड्रन वी हैव दैट आई नो दैट एमएस पेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया, पेंट, कैलकुलेटर, लोगो, एक्सेल एंड एमएस वर्ड आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड चिल्ड्रन आई नो दैट विंडो जिसमें हमारा एमएस विंडो आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, ये सारा विंडोज ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये सारे अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है. और चिल्ड्रन जो लिनक्स होता है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें नेट पे मिल जाता है, हम उसे यूज कर सकते हैं. सो ऑल दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ चिल्ड्रन लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. इसके साथ हम बुक की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. सो चिल्ड्रन as you know in every chapter we have first question as choose the correct answer. So you will be doing your exercise in the book itself and for practice you can have one notebook, but all these exercises will be done in book only. So children our first question is exercise now question number A. Question number A we have T I C K tick the correct answer. Tick the correct answer. अब children first one है one software mainly of dash software is mainly of dash types types. Types so software are mainly of dash types. So children options are A FOUR four, B we have THRW3 and C we have TWO2. So children, as you know, here we have three options and just now we studied and revised in self-evaluation that software are mainly of dash types. So softwares are mainly of two types. As we know, softwares are mainly of two types. What are these softwares, children? These two types of softwares are application software and system software. So yahan pe hum पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है. तो यू विल राइट हियर टू, फर्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज चिल्ड्रन टू अ सॉफ्टवेयर. सेकंड क्वेश्चन में भी वी हैव अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स HELPS हेल्प्स यू इन YOU
in doing, D-O-I-N-G, doing, in doing specific, specific, specific work, W-O-R-K, work, specific work is known as, उसे हम क्या कहते हैं, as dash software, उसे हम कहते हैं dash software, software. So children, a software that helps you in doing specific work is known as dash software. So children, a software which helps you in doing a specific task is called dash software. So here we have studied about two types of software. Firstly, application software, and secondly we have studied about system software. So system software कोई भी काम नहीं करता है. It controls and manages the computer system or hardware part को या application software को control और manage करता है या सारे काम करवाता है और check करता है कि how they are working और whether they are working properly or not. तो यहाँ पे ये काम किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वो काम, मतलब कोई ना कोई काम करवाता है. सो अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू इन डूइंग स्पेसिफिक वर्क इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो लेट अस लुक एट द ऑप्शन चिल्ड्रन. यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम ऊपर ऑप्शन लिखेंगे. सो ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर टू आर, फर्स्टली वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो ए हमारा ऑप्शन है सिस्टम, एस वाई एस टी ई एम सिस्टम. सेकेंडली वी हैव बी में हमारे पास है एप्लीकेशन, ए डबल पी एल आई सी ए टी आई ओ एन एप्लीकेशन. एंड थर्डली वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम. अब चिल्ड्रन एज वी नो सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आर सेम. सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दीज टू आर नॉट एट ऑल द, ये ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है जो हमारे हमें कोई काम करने में हेल्प करते हैं. इट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स अस इन डूइंग एनी टास्क. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी काम को कर सकते हैं. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो कोई ना कोई काम करते हैं. सो हियर द आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल और मैनेज करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो हियर चिल्ड्रन करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू इन डूइंग स्पेसिफिक वर्क इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो आप यहां पे लिखोगे यू आर, यू विल राइट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है. तो सेकेंड आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अगर टिक लगाओगे और ब्लैंक पे यू विल राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर टू ऑल्सो. नाउ विल डू सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, चलो विल डू द नेक्स्ट वन. I hope you have understood. Now, so third wala hamara hai. Question is, our third question is children, dash is a part of system software. Third part is dash is a part, P-A-R-T, part of system, S-Y-S-T-M, system software. Dash is a part of system सॉफ्टवेयर. तो डैश इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ फर्स्टली चिल्ड्रन ए एम एस वर्ड, एम एस डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड. देन सेकेंडली वी हैव बी, वी हैव बी में हमारे पास है एम एस पेंट, एम एस पी ए आई एन टी पेंट. एंड थर्डली वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग system, S-Y-S-T-E-M, system. So children, what is part of system software? As we know children, MS Word is a software. ये एक program है. So it is a type of application software. ये application type software है which is used for performing a particular work, that is typing.
इससे हम सिर्फ एक तरह का काम कर सकते हैं जिसे हम टाइपिंग कहते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम इसको यूज करके हम कोई काम कर सकते हैं। सिमिलरली एमएस पेंट इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, इज अ प्रोग्राम विच इज यूज टू डू पर्टिकुलर वर्क, दैट इज ड्रॉइंग एंड कलरिंग। बट ऑपरेटिंग सिस्टम इज पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है एंड विच कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। सो हियर आर आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, हियर द आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ फोर्थ वन चिल्ड्रन, फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है, डैश इज एन 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 डैश इज एन, सो चिल्ड्रन is an example of example, example of operating system 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 dash is an example of operating system। now options are children, a may we have ms paint, then in B we have Windows, W-I-N-D-O-W-S, Windows, and in 3 we have, in C we have calculator, C में हमारे पास calculator है। So children, what is dash is an example of operating system. So MS Paint is an example of application software, Windows is an example क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, तो इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेयरएज कैलकुलेटर इज आल्सो यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, सो इट इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम बट इट इज एन एप्लीकेशन। तो पेंट और कैलकुलेटर दोनों कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो इसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे और विंडोज को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। एंड हियर यू विल राइट विंडोज आर द एग्जाम्पल, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पेंट और कैलकुलेटर से हम कोई ना कोई काम करते हैं, जैसे कि पेंट से हम ड्रॉइंग और कलरिंग करते हैं और कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशन करने का काम करते हैं। तो दीज टू आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेयर एज विंडोज आर अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। सो हियर थ्री में हमारे पास है डैश इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। What is a part of system software, children? तो जैसा कि हम जानते हैं MS Word and MS Paint, these two are example of application software. तो part क्या हुआ? Part is operating system. जो operating system है ये system software का part हुआ। Operating system is a part of system software. So you have put a tick here and written here. Here you will write operating system. OPERATING operating and system, SYSTEM system. तो operating system is a part of system software. Now fourth one, Windows. Windows is example of operating system. Windows operating system का example है. Whereas other two option, MS Paint and calculator are example of, they are example of एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। सो चिल्ड्रन विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी वी हैव ट्रू एंड फॉल्स, इन क्वेश्चन नंबर बी वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, सो लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड whether they are true or false. So children, first question, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर बी है, राइट टी फॉर ट्रू TRUE true एंड F for false 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 स्टेटमेंट STATEMENT स्टेटमेंट। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सो एज यू नो चिल्ड्रन, हियर वी हैव 5 स्टेटमेंट्स गिवन, वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले हमारे पास है
One, software are a set of instructions. So children, what do you say, whether it is true or false? Softwares are a set of instructions. Softwares are a set of instructions. So children, as we know, softwares are a set of instructions. This is true. सॉफ्टवेयर जो होता है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, तो यहाँ पे हम टी फॉर ट्रू लिखेंगे. सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म एनी टास्क. तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को कैसे काम करना है. तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ट्रू, सो यू विल राइट T for true in the box given here. Now, second one children, operating system is used to perform a specific job. जो operating system है, operating system, O-P-R-A-T-I-N-G, operating system, S-Y-S-T-E-M, system is used to perform perform a specific job, J-O-B, job. So children, operating system is used to perform a specific job, एक particular काम करने के लिए है. ये false है, so you will write here F for false. So operating system is used to perform a particular job is फॉल्स. इसका काम ऑफकोर्स ये भी काम करता है, लेकिन इसका काम एक किसी पर्टिकुलर टास्क को नहीं करना है, बल्कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हैंडल करना है, कंट्रोल करना है या मैनेज करना है. ये किसी एक काम को नहीं करता है, बल्कि ये पूरे सिस्टम को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, कंप्यूटर को ऑन करता है और चेक करता है वेदर अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर और अदर हार्डवेयर पार्ट्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, और दे आर डूइंग देयर टास्क प्रॉपरली और नॉट. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है. एक स्पेसिफिक काम नहीं करता, ये पूरे कंप्यूटर को एज अ होल कंट्रोल करता है एंड मैनेज करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड यू विल राइट एफ फॉर फॉल्स हियर. नाउ थर्ड वन चिल्ड्रन, थर्ड भी हमारे पास है एमएस पेंट, एमएस पी ए आई एन टी, पेंट. एमएस पेंट इज यूज्ड टू एडिट अ टेक्स्ट. इज इट ट्रू चिल्ड्रन? MS Paint is used to edit a text? No, this is also false, because MS Paint is used for doing drawing and coloring. MS Paint को use करके हम drawing और coloring करते हैं. MS Paint को use करके हम drawing या coloring करते हैं. तो जो MS Paint है ये टेक्स्ट एडिटर नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर उसे कहेंगे जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, जहां हम टाइपिंग कर सकते हैं. तो हम एमएस वर्ड को टेक्स्ट एडिटर कह सकते हैं, नोट पैड को टेक्स्ट एडिटर कह सकते हैं, लेकिन एमएस पेंट में तो हम लिखते ही नहीं, तो एडिट कहां से करेंगे. तो ये एक एडिटर नहीं है, बल्कि वी यूज इट फॉर ड्रॉइंग एंड कलरिंग. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड यू विल राइट एफ फॉर फॉल्स. नाउ फोर्थ चिल्ड्रन, फोर्थ स्टेटमेंट वी हैव स्टार्टिंग. फोर्थ स्टेटमेंट में हमारे पास है स्टार्टिंग एस टी ए आर टी आई एन जी, स्टार्टिंग एंड री स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, सी ओ एम पी यू टी ई आर, कंप्यूटर is called booting, B-O-O-T-I-N-G, booting. तो children, is it true children, computer को start करना या restart करना is called booting. Of course children, as I told you, computer operating system का काम है computer को start करना. अब start करने को हम booting कहते हैं,
रीस्टार्ट करना या स्टार्ट करना, इसे हम बूटिंग कहते हैं, क्योंकि हमने टू टाइप्स ऑफ बूटिंग पढ़ा था, वन इज कोल्ड बूटिंग एंड द अदर इज वार्म बूटिंग. वार्म बूटिंग का मतलब होता है इट इज ऑलरेडी इट वॉज ऑलरेडी ओपन, किसी कारण से वो रुक जाता है या हैंग कर जाता है तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, तो उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं. और अगर हम फ्रेश ऑन करते हैं तो उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग एंड दिस इज वन इज स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग, और इसे हम बूटिंग कहते हैं. तो सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड यू विल राइट टी फॉर ट्रू हियर. सो चिल्ड्रन वी हैव वन मोर स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट इज हम यहाँ लिखते हैं लास्ट वाला. हमारा लास्ट स्टेटमेंट है MS Word is used to calculate date. 5. MS Word is used to calculate CALCU calculate date. DATE date. MS Word is used to calculate date. So children, is it true? No. It is not true. MS Word is used for typing the text. तो यहाँ पे हम F for false लिखेंगे. तो let us read these statements children. Softwares are set of instructions. It is true. So you will write T for true here. Operating system is used to perform a specific job. This is false because वो एक specific काम नहीं करता, बल्कि वो overall पूरे system को control करता है, manage करता है. It checks whether application software is working or not, और उसको application software को run कराता है, उसके बाद computer को open कराता है, and then it also controls the different hardware part of the computer also. So उसका एक specific काम नहीं होता, वो पूरे सिस्टम को एज अ होल ऑपरेट करता है या हैंडल करता है, इसलिए हम इसको फॉल्स लिखेंगे यहाँ पे. देन एमएस पेंट इज यूज्ड टू एडिट अ टेक्स्ट. एमएस पेंट को यूज करके हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो यू विल राइट इट फॉर फॉल्स हियर. देन स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग. दिस इज ऑल्सो ट्रू. Then children, MS Word is used to calculate date. This is false. So you have written false here. So with this children, we have come to the end of this video. Go through the exercises which we have done today. Complete these exercises in your book itself, and revise and learn the exercises which we have done. We will meet once again in our next video. Till then, thank you.